हेलो राधे राधे भाई, सभी को मेरा प्यार भरा बबीता व्लॉग में आप सबका स्वागत और स्वागत है रात के 9 बजे कढ़ाई के साथ। तो गाइज ये देखो, ये एक लोहे की कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है मैंने, और जिस भी बहनों के बाल नहीं बढ़ते या फिर जैसे कि ज़्यादा सफ़ेद रहते हैं और काले बाल भी होंगे आपके, बढ़ेंगे भी, सारा नुकसान। और देखो भाई घर में करने लग रही हूँ, ये देखो बिल्कुल काला पानी हो गया है, और ये काला पानी सिर्फ 2 गिलास मैंने चढ़ाया था पानी, और ये काफ़ी उबाल लिया है। लेकिन आपके पास भी कढ़ाई होनी चाहिए लोहे की, और लोहे की कढ़ाई में मैंने सिर्फ इसमें ये डाल रखे हैं अनार के छिलके, जो कि आप अनार अनार लाकर जो उसके छिलके हैं वे उबालने हैं, और इसमें नींबू डाल रखे हैं, चाहो तो एलोवेरिया भी डाल सकते हो, विटामिन के कैप्सूल भी डाल सकते हो, और नहीं तो ये दो चीज़ तो ज़रूरी डालनी है, एक तो ये नींबू और ऊपर से अनार के छिलके। ये देखो बिल्कुल ब्लैक हो गया है पानी, और अब ठंडा करके या तो आप किसी बर्तन में डाल लो, या फिर इसको इसी बर्तन मतलब रात को ही भिगो कर इसमें मेहंदी रख सकते हो, और फिर आप सुबह लगा लो, नहीं तो फिर ये पानी छान के सुबह ही मेहंदी घोल के इसमें तब भी लगा सकते हो। और ये नुस्खा भाई बहुत बढ़िया है, आप लोग जरूर करके देखना। चलो अभी फिलहाल रात का हो गया है सब, ये दूध उबाल दिया है, काना को भी पिला दिया है, या देखो काना की गिलासी रखी है, और मेरी रसोई हो गई है बिल्कुल साफ सुथरी, और अब कर रही हूँ मैं सोने की तैयारी। तो थोड़ा सा ब्लॉग मैंने आज रात को ही स्टार्ट कर दिया है, ये देखो आप जरूर करना ये, और मैं भी अपने बाड़ों पे लगा के तब दिखाऊंगी आपको। चलो मिलते हैं सुबह, अभी ये प्रोसेस देख लो गाइस। हेलो राधे राधे भाई, सभी को मेरा प्यार भरा बबीता व्लॉग में है आप सबका स्वागत, और सुबह संडे की शुरुआत आप लोगों के साथ मैंने है ना ब्लॉग बना दिया था, हेलो गाइस। सुने सच में बता दू, सारा ब्लॉग बना दिया था, फिर देखने लग गया ना कितना बन गया, तो मैंने जो वीडियो है ना वो चालू ही ना करी थी, दोबारा से करा। और ये जाने लग रहे हैं कि जाओ तुम अरुण है, देखे तुम्हारा राज्य हो रहा है अरुण और का जावा, जो अरुण का वो तारका हुआ है के तारका हुआ है उलाना, तेल ताल तो उतर लिया, उका उतार का है उलाना, और फिर रह रहा है इसका एक शांतनु का है ना, उड़क है यो ना मन है, यो ना मन है का तीनों का अपनी बाइक के चक्कर में आया, मेरे चक्कर में आया तू, तो भाई इस बाइक ने उठा कर लेकर जा है ये, मैं थोड़ी जाऊंगा बाइक के चक्कर में। हाँ वो जा है नुका बाइक के चक्कर में, चलो कोई नहीं देखते है, मिल जाओगा संडे आज घर आए, या बाइक भाई मारी हो रही है नई प्रीत, या बाइक नई से इन्हें उल्टी पुरानी करकावे हैं, या घनी नई हो रही है, देखो कती सारा डसमरा डग रहा है का, तो इसने लेकर जाऊंगे भाई, बाइक बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, इनकी बना दूँ मैं फटाफट रोटी, है जान लग रही है सुबह की हो रही है ड्यूटी की तैयारी। काचो जल्दी हेलमेट दिला, एक भाई है जल्दी खोलिए आगे बैठना, बार में बार करवाने लग रहे हैं, चल पड़े हैं ये इस हेलमेट को पहनकर। परीत आराम तो चलाइए, हवा में मत उड़ाइए, अरे यो हेलमेट ना 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 आराम से, वो दिल मैं गाने चला लूं, वो दिल्ली। हेलो राधे राधे भाई, सभी को मेरा प्यार भरा बबीता व्लॉग में आप सबका स्वागत है गाइस। और 2 दिन हो लिया भाई वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि ना तो कितने जान का जी कर रहा, और गर्मी होने लगी है बहुत ज़्यादा, तो मैं सोचूँ कितने जाऊँ तो वहाँ की वीडियो बना कर लाऊँ, फिलहाल अभी घर में ही हूँ, तो इसलिए घर का तो बस मना ही है, घर का काम तो घर का ही होगा सुबह से शाम तक, और फिलहाल अब हो जाएंगे हमारे नवरात्रि शुरू, चैत मास के जो होया करे नवरात्रि, तो कमेंट में बताना भाई कौन कौन नवरात्रि करा कर, मैं पूरे 9 के 9 तो नहीं करूँगी, हाँ 2 जरूर करूँगी, और हो सका था अखंड ज्योति मैं हर बार जलाया करूँ, तो अब की बार भी जलाने की सलाह है पूरी, तो देखते हैं माता रानी के कल से हो जाएंगे नवरात्रि शुरू। और जी देखो क्यों करो रहा है ये 24 घंटे नो पड़ा रहा है रहना बिरना के पी रहा, और लास्ट का है आज मारी या प्याज, ये प्याज आज के बाद कर देंगे अब पूरी ख़त्म, ये घर में कोई प्याज व्याज नहीं आओगी भाई, ये लापाल का कत है।
कई 9 दिन तक आए मारा खाना हो जाओगा क्योंकि ना तो हो जावा है बच्चा ना तो मेरा ताजा का जी सा हड़ बजा मैं तो छोड़े दो प्याज मैंने कोई जरूरत ना है और बणका का की करा बणक तो बना के खावा ही है। अरे क्यों डैग मेरा ये देखो ये कम से कम इसने 6-7-8 साल हो गए इस डैग ने बेचारे ने बांध के धर दिया यो करवाना है ठीक क्योंकि इसके पड़ते बढ़ते पट रहे हैं। ना ना भाई मैं गलत बता गई 6-7 साल नहीं हुए हैं इसको हो गए हैं 3 साल। हाँ 3 साल आराम से चल लिया इसने फिर दिखाऊंगी ठीक हो गया तो करवा लेंगे ना तो फिर ठाक है बेचना है। और फिलहाल आज ही अपनी अलमारी कर लाग रहा है संगवान क्योंकि अलमारी में देखो कितना बुरा अलमाचा पड़ा है फालतू के लत्ते जितने भी हैं वे सारे हटवा हूँ देन के होंगे दे देगा। ये भी अपनी अलमारी सफाई कर रहा है तनु ना कर ली थी मेरी अलमारी भी रह रही थी। चल भाई पिकाचू ये देखो हमारा पिकाचू कैसे बैठा है ये भी मेरा बहुत काम करवाता है। बच चुके हैं गाइस 5 और ही जाऊंगी थोड़ी सी देर में थोड़ा सामान लेन क्योंकि हमारी आ रही है स्कूटरी राधे राधे की ये इसके मामा की स्कूटरी आ रही है हमारी जा रही है बाइक ठीक होने बाइक में भी भाई खर्चा आ गया कम से कम 10,000 का देखते हैं ये करें बहुत दिक्कत हो रही बहुत दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा कदे किम्मा ख़राब हो जाए कदे किम्मा ही ये फिल्टर बोल रहा था जब ये फिल्टर लगवाया किम्मा ना किम्मा चलता ही रहा गृहस्थी में। तो चलो तो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में कर लेती हूँ शाम की तैयारी खाने की। हेलो गाइस वेलकम टू चैनल बबीता व्लॉग में है स्वागत और आस्वागत कर रही है हमारी ये दो प्यारी प्यारी कन्याएं। तो एक का नाम है कौन है ये वैष्णवी और आज इसका बर्थडे है भाई तो आप सभी इसको बर्थडे विश करो क्योंकि आज पहला नवरात्रा है और वैष्णवी का आज बर्थडे है यानी कि वंशु का। ए जागू जागू इधर देखो जल्दी देखो इधर सबको बोलो गाइजों को जल्दी ले ले ये तू ले ये ना मानते तो मैं चीज ना दे उसको जल्दी बोल हेलो 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 गाइज हेलो गाइज राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो बोलो शैलपुत्री माता की ए कन्या कन्या। तो वंशु बताएगी आज कौन सा नवरात्रा है भूल गई अभी तो सिखाया था आज है शैलपुत्री माता का पहला नवरात्रा ठीक है। शेल हेलो गाइस शैलपुत्री माता का पहला दिन है और पहला नवरात्रा है तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपको बोलो बोलो ऐसे मुंह में उंगली देते अच्छे बच्चे ढेर सारी शुभकामनाएं है ढेर सारी तू बोल नुका ढेर सारी शुभकामनाएं चला तो भैया देखो कितनी बढ़िया त्रिया आ गई है ये बेरी जान लग रही है तो इसलिए बाय बाय जाओ बेरी हम भी जाएंगे। हेलो राधे राधे भाई सभी को मेरा प्यार भरा बबीता व्लॉग में है आप सबका स्वागत और दोपहर हो चुकी है शुरुआत करा है आज लेट ब्लॉग और ब्लॉग डल्ले कम तभी कम 3 दिन हो गए भाई और इस लड़के की वजह से ब्लॉग निडर रहा क्योंकि मैं तो बना दू हूँ और ये कह रहा है कि बाहर जाओ अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाओ ये घर का के डाल लो तो देख लो इतने नखरे हो रहे हैं मैंने करना आता हो तो मैंने इनकी जरूरत ना हो कुछ नहीं करता ये लड़का। ये देखो भाई मैंने अपनी माता रानी की लगा दी है चौकी और ये 5 जो फल होते हैं माता रानी के ये कर दिए और पान के पत्ते फूल माला और ये है मेरी अखंड ज्योति। तो आप लोग भी मेरी अखंड ज्योति की दर्शन करो मेरी माता और आज है पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का और हमारे लड्डू जी भी ये बैठे हैं अनार खाने लग रहे हैं। तो चलो गाइज बाहर जाऊंगे तो भाई बाहर के जब बनाऊंगे ना जब बाहर जाऊंगी अब मैं घर के जो भी है डालने चाहिए ना इन्हें पर क्या करूँ कुछ नहीं कह सकते बच्चों का। ये मैंने जो बे रखे हैं ये मैं या डोंगे मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मारा हो रहा है बहुत मुस्सी और छोड़ा नहीं गी तो मैं ये भिगो दूंगी ये उसमें गमले में लगा दूंगी गाइस। और देखिए दास ठा रखे भगवान मेरा ना के दास ठा रखे के बना के गया है ओ कट दिया रोग
पनीर लेके आया था, उन्होंने बोला बिना प्याज का पनीर बना कर खाऊंगा। या दूध भी फ्रिज में नहीं रखा मेरा। देखिए आलू गोभी की सब्जी, मटर की, मैंने कोई इतनी बढ़िया बना रखी है बिना लहसुन प्याज की। पर ये तो बादाम रखी है, पनीर की बनाकर भुजी और जब खाई सर रोटी, हालांकि बिना लहसुन प्याज की खाई है, वैसे अपने आप पे बना ली सर, मंत्र रोटी बनाकर दर दी थी। चलो भैया आज मैंने अपनी माता रानी का रख रखा है व्रत, 9 के 9 तो मुश्किलें हैं, शायद नहीं रखूंगी, कल शायद बेरी जाऊंगी और हो सका था फिर बेरी के भी दर्शन आप लोगों न करवाऊंगी। और चलो मिलते हूँ थोड़ी देर में, अभी पी लेती हूँ थोड़ी चाय पानी क्योंकि 1 बज गया है, कुछ भी नहीं पिया अभी मैंने, अपनी पूजा करी है, मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो गाइस, ये देखो भाई नकुल ने चाय बनाई से, चाय बनानी देखो ही की, गिलास में गिलास और गिलास में चाय, दिखाई नहीं दे रही, इसी चाय बना दी है पीते के साथ, मन लागे सो जाएंगे मैं, इतनी बढ़िया चाय बना दी, कती दूध और पत्ती के रखे है, इतने से गिलास में इतनी सी चाय, बहुत बस आवा घर का आयो कती। और ये देख के दिखाऊं थी मैं,